19 वायरस जो तेजी से फैल रहा है, इससे हमारा देश नहीं पूरा प्रदेश लड़ रहा है। इसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री सबको अवेयर कर रहे हैं, उसके बावजूद सारा देश बंद किया गया है, जैसे कि शराब की दुकानें भी बंद की गई है। आज हमारे साथ हैं मिश्रा जी जो डिप्टी कमिश्नर है, आज 167 बहुत पेटियां पकड़ी गई हैं। आइए पूरी जानकारी लेते हैं इनसे, क्या है मामला जी? मिश्रा जी, क्या था पूरा मामला जो 167 पेटियां मिली हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये कहना है कि पुलिस द्वारा जो है गंगनगर कोतवाली द्वारा जो है शराब की कुछ पेटियाँ भारी मात्रा में पकड़ी गई हैं। जो अभियुक्त पकड़ा गया है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया है, ये बताया है कि वो पेटियाँ जो है इस रामनगर कैंप के ठेके से मिली। तो ये जांच का विषय है, प्राथमिक तौर पर इनकी संलिप्तता स्वतंत्रता पाई जाएगी, इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को और आबकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। इसी के लिए मैं स्टाफ के सत्यापन के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे स्टाफ को स्टाफ का सत्यापन कर रहे हैं और ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की घटनाएं फ्यूचर में। सर, ये कहाँ से मिली है, कितनी पेटियाँ? ये पुलिस द्वारा पकड़ी गई है, पुलिस ने इसको जब्त किया है और इसमें विस्तृत जानकारी पुलिस ही बता पाएगी कि इन्होंने कहाँ और कब कैसे कितनी पकड़ी है। हमारे द्वारा जो प्राथमिक तौर पर उनसे जो भी जानकारी ली गई है उसमें यही पाया गया है कि वो अभियुक्त ने बताया कि ये परिवहन यहीं से किया। जो भी पकड़ा गया है, क्या उसके ऑनर से मिली भगत से ये पेटियां बाहर आई हैं? निश्चित तौर से कि अगर वो जांच का विषय है कि यहाँ से पेटियां गई हैं कि नहीं गई, लेकिन प्राथमिक तौर पर तो यही दर्शाता है कि अवैध तरीके से परिवहन किया गया है। सर, कहीं ना कहीं ये जो जोगिंदर व्यक्ति बता रहे हैं ये भाजपा से भी बिलोंग करता है, कुछ सुनने में आ रहा है? इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है, वो कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं क्या है वो तो जांच का पुलिस का विषय है। हमारा तो विषय ये है कि हमारे इस परिसर में कितनी मदिरा संचित थी और वो यहाँ से इसका अवैध तरीके से निकाली गई, बेचने के लिए कि नहीं निकाली। सर, अगर आप अवैध रूप से कोई शराब की दुकानें खोलेगा तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? अवैध रूप से शराब की दुकानें खोले जाने पर जो अभी COVID-19 के दृष्टि गाइडलाइन आई है उसके तहत मुकदमे दर्ज कराने मुकदमे दर्ज किए हैं हमारे द्वारा, तो अनव्यापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम और अन्य जो और भी अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी और आबकारी अनव्यापी को नोटिस प्रेषित किया जाएगा और सारी जांच में ये संलिप्तता पाए जाने और सारी पुष्टि होने के पश्चात हम अनुज्ञापन के निष्ठीकरण की कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये भी जांच का विषय है कि क्या क्या हो। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है अगर इस तरह का कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा या शराब की दुकानें अवैध रूप से खोलेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मनीष ग्रोवर, न्यूज़ उत्तराखंड समाचार। बोतल टोटल भी तो आ जाए। तो सर, आप वैसे कहाँ से हैं?